क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आज ही मैंने जो है, आज ही अभी जो शाम को तुम्हारा वीडियो पोस्ट किया था मैंने। हाँ मैंने देखा है, मैं तो घर को मेमोरी याद है मेरी। क्या और बताओ, कैसे चल रहा है? बस बढ़िया, जन्नत में जैसा। अरे वाह, तो देखो कितना टाइम हो गया है ना। अभी साल हो गया सर, साल निकल गया मेरे को यहाँ। 1 साल हो गया ना पहुंचे वहां सऊदी से। चलो बढ़िया बढ़िया। और अभी कहाँ हो, वर्षाओं में? मैं वर्षा में ही हूँ सर। और जॉब कैसा चल रहा है? वो बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजे ले रहे हैं जिंदगी के। सऊदी में 7 साल निकाली तो वो तो जेल की तरह थे, यहाँ पे तो 1 साल का पता ही लगा, एक दिन की तरह चला। मालूम है, 1 साल हो गया। 1 साल के बाद जो है हम जो है आज अब देख रहे हैं वीडियो में एक दूसरे को। मैं तो आपको याद करता रहता, आपको इसमें मैसेज भी किया मैंने। और बाकी तो जो आपने जो हाँ जो आपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की या जो आपने मेरी फाइल तैयार की थी, वो तो फिर रिजल्ट तो पता ही है आपको, आगे क्या आया। बिल्कुल बिल्कुल, आप ना होते फिर सही है। और बाकी टीआरसी का कैसे प्रोसेस किया वहाँ पे? टीआरसी सर मेरी अप्लाई हो गई है, उस पे पासपोर्ट का स्टंप वगैरह लग गई है। अच्छा। और अभी एक दो महीने में आ जाएगी उसकी भी, मैं आपको डाल। चलो बढ़िया बढ़िया। अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सिग्नल का प्रॉब्लम भी आ रहा है ना। चलो सही है। तो वहाँ पे अभी ट्रेन से बाहर निकलूंगा, तो कैसा लग रहा है वहाँ पे? मैं उतरने वाला हूँ, देखो लगता है। कंपेयर टू सऊदी अरेबिया कैसा है, क्या बोलना चाहोगे? बहुत फर्क है, सैलरी का भी बहुत फर्क है, और नंबर दो पे यहाँ पे फ्रीडम बहुत है सर। पूरे पूरे यूरोप में, जो यूरोप है, यूरोप में सबसे बेस्ट कंट्री क्यों बोल रहा हूँ? ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीडम है ना वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है दूसरी कंट्रियों में जैसे सख्ती या चेकिंग वगैरह या फिर रूल रेगुलेशन सख्त बहुत है, यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ बहुत बढ़िया, बहुत आजादी है। और यहाँ पे आप काम जैसे मर्जी एक जगह से दूसरी जगह जैसे मर्जी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बढ़िया बढ़िया। ये भी ना ट्रेन वगैरह सर इनमें आते जाते हैं रोज, इनमें यानी कि 110 का पास बनता है एक महीने का, तो एक महीने तक फिर जैसे मर्जी जितना मर्जी। सही है, जहाँ में पूरे वर्षा में जहाँ मर्जी घूम सकते। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये आपकी दुआ सर, आपकी वजह से बैठा हूँ मैं। बहुत ऊपर वाले को मैं बोलता हूँ, आप बहुत तरक्की करो, अब तो लगे हुए बस मेहनत करने में, काम करने में। जैसा काम आपने किया ना, मेरे को नहीं लगता कोई और कर सकता था। बस लगे हुए हम तो, सही बात है। हम तो चाहते कि भाई काम हो सबका, सबके ड्रीम पूरे हुए, उसी पे लगे हुए। देखो 1 साल के बाद आज जो है हमारी दोबारा बात हो रही है, देखो सोचो। और बात इसलिए हो रही है क्योंकि आगे एक नंबर के जेन्युइन बंदे हो, अगर कोई बंदा गलत होता तो दोबारा बंदा बात भी नहीं करता दूसरे बंदे से। आप जो बात करते हो वो चाहे यानी कि कड़वी हो मगर करनी सच्ची बात है। आपकी ये बात मेरे को सबसे अच्छी लगती है, कड़वी हो सकती है मगर बोलनी सच्ची बात है। किसी को बुरा लगता लगे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप करते सच्ची बात। सही है, मेरे को मालूम है ये चीजें। अच्छा क्या थे वो दिन सऊदी में जब रात को 11-11 बजे 12-12 बजे जो फोन आते थे? और वो टाइम नहीं खोल सकता मैं, वो एक तरह मेरा बहुत टफ टाइम था, मगर आपकी वजह से वो टाइम निकल गया, बहुत अच्छा रहा, अभी निकल आए वहां से। और मैं सोचता हूँ मेरे 2-3 साल उम्र के और कम हो गए हैं, यानी कि उम्र कम हो गई है मेरी बढ़ने की जगह, वहां पे मैं 5 साल ज्यादा बड़ा हो गया था, यहाँ पे छोटा हो गया। यूरोप में जाके सैनिगन में जाके यही होता है, सबको यही लग। अभी जो है काफी लोग आपने देखे ना, अभी भी वीजा आए थे पिछले हफ्ते, काम चल रहा है, लोग पहुंच रहे हैं, टीआरसी बन रही है। नहीं अगर, अगर आपके किसी बंदे को, अगर आपका कोई बंदा आता है ना यहाँ पे, अगर उसको काम वगैरह की भी कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ, आप मेरे को नंबर दीजिए, उनकी काम की भी सेटिंग करवा दूंगा, सब कुछ करवा दूंगा मैं। अरे वाह, मेरे में अभी इतना मैं कर सकता हूँ। चलो बहुत बढ़िया। और सीधा गवर्नमेंट जॉब की तरह जॉब दिलवानी है कि यहाँ भी वो बोलेंगे कहीं और इतने पैसे नहीं मिलते थे जितने यहाँ पे उस बंदे को बने। चलो अच्छा, मतलब काफी अच्छा सेटिंग हो गया, मतलब टाइप करके बता दूंगा। सेटिंग बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, यानी कि ऊपर वाले का शुक्र करता हूँ कि यहाँ भी यहाँ पहुंचे हैं,
साली जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है सर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। यही है ना वहाँ का एक माहौल, देखो हर किसी का ड्रीम होता है वहाँ पे जाने का ना, पोलैंड में। आप देखो अब ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ है अच्छी चीजें, तभी तो लोग उसके पीछे जाना चाहते हैं, सही है ना सर। सर ऐसा बात है, यहाँ पे ना एक तरह की शांति है। शांति का मतलब जैसे आप कनाडा चले गए, अमेरिका चले गए, वहाँ पे भाग दौड़ा, लोग भाग रहे हैं, किसी के पास टाइम नहीं, अपने इंडिया की तरह ही है। मगर यहाँ पे ना एक रिलैक्स है, आप हफ्ते के 5 दिन काम करते हो, 2 दिन आप अपनी जिंदगी खुद के हैं, आप जो मर्जी करो, आपको रोकने रोकने वाला कोई कोई। और ये लोग इतने अच्छे लोग है ना, ये जो पॉलिश है, पॉलिश है बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये फर्क नहीं करते दूसरे बंदे से कि अभी ये बंदा दूसरी कंट्री का, या जैसे ये कनाडा वगैरह में होता ना कि अभी नस्लवाद का ब्राउनी ब्राउनी बोलते हैं, वो वाला सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे देखा ही नहीं किसी को। और लाइव तो मजेदार है सर यहाँ पे, क्या बोलूं। अब देखो आपने इतने साल मेहनत करी सऊदी में, देखो उसका रिजल्ट देखो, आज आप पोलैंड में घूम रहे हो, देखो मेहनत है ना। देख रहे हो आप, वहाँ पे मैं खत्म था एक तरह, मेरी शुगर बड़ी हुई थी, 400-500 शुगर रहती थी मेरे को, वहाँ पे इतनी टेंशन थी। यहाँ पे उतरते इतना वेदर इतना अच्छा ना, यहाँ का इतना बढ़िया वेदर है, मेरी मेडिसिन खत्म होगी, मेरी शुगर खत्म होगी, मेरा हेल्थ सिस्टम इतना बढ़िया हो गया ना, सिर्फ पैसा नहीं बंदा कमाता आपकी जो है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि वेदर बहुत अच्छा। बिल्कुल, एक तो देखो वहाँ पे एक तो नेचुरल है सारी चीजें, दूसरा ये है कि भाई आप जो है ऐसी जगह पहुंच गए हो जहाँ पे लोग मतलब हैप्पीनेस ज्यादा है। सही बताऊं जो जैसे आप बता रहे हो ना, टेंशन नहीं है, उसका रियल रीजन यही है। सबसे मेन चीज क्या होती है, आसपास का माहौल कैसा है वहाँ पे, लोग एकदम अभी देखो ईस्टर है, खुश सेलिब्रेशन चल रहा है, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें ये, बहुत बढ़िया चीजें हैं सर यहाँ पे। यहाँ पे इन लोगों में ये नहीं मैं नहीं है, अभी जैसे हम बोलते थे ना मैं नहीं है लोगों के अंदर, सही है। ये लोग हेल्प, अगर आपको हेल्प चाहिए ना, रस्ते पे आप खड़े हो गए या बैठ गए, किसी बंदे को कोई दिक्कत हो गई तो बिल्कुल 10 बंदे गुजरेंगे, 5-7 ने आपसे ये पूछना कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है, मगर सिर्फ एक चीज की दिक्कत होती है और किसी चीज की दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज की, लैंग्वेज क्योंकि इन्होंने अपनी पॉलिश, हाँ इन्होंने पॉलिश में बात करनी है। अब उसका भी सलूशन है कि यहाँ पे ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर पे जैसे मर्जी बात करो, बिल्कुल तो थोड़ी बहुत आने लगी है यहाँ पे, आ गया ना तो अब आने लग गई थोड़ी बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही, अब एक्सपीरियंस आदमी को, जब इधर आदमी अरेबिक सीख जाता है तो फिर जो है वहाँ पे जो है पॉलिश में भी मेहनत करता है। अच्छा मुझे सुनो एक चीज, मुझे बताओ ये जो सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है 2024 में, इसका जो है ये सबका सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है 2023-22 वालों का? सबका हुआ सर, सबका सबका हुआ अभी तो, सबका हुआ। अब सपोज कोई वर्क परमिट लेके आ रहा है 2023-22 के, उनका वीजा लग गया, सैलरी उसमें जो है 3600 जलौटी है, तो वहाँ पे जाके वो कैसे चेंज हो रहा है? सर नंबर एक पे तो मैं आपको एक बात ये करना चाहता हूँ, जो 3600 जलौटी लगेगी ना वो ऐसे नहीं है कि अगर डायरेक्ट कंपनी में जैसे आ रहे हैं हम लोग तो वो दोबारा नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे इनका, तो जिस वहाँ पहुंच जाएंगे ना जैसे सैलरी हुई है तो पहले एक तो हफ्ता इन बंदे की ट्राई लेंगे, बंदा काम कैसा कर रहा है कैसे नहीं कर रहा, ठीक है, उसके बाद में नया कॉन्ट्रैक्ट बनोगे, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। तो मतलब कहने का मतलब है जिनकी 2022-23 के वर्क परमिट को टेंशन लेने वाली बात नहीं, जब वो वहाँ पहुंचेंगे नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा नई सैलरी में, सही है? नई सैलरी नई सैलरी मिलेगी सर। चलो सही है सही है। एक चीज और यहाँ पे सर मैंने अब देखी है खुद से, हमारे साथ ना सऊदी में, मैं सऊदी की बातें साथ में जोड़ रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फर्क बता रहा हूँ तो गल्फ का और यहाँ का। हमने जैसे 5-7 साल काम किया, वो 5-7 साल का हमको जो बोनस वगैरह मिलना था वो हमको मिलना था 10,000 रियाल मिलने से, सही है, 5-7 साल का, ठीक है सर। और यहाँ पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं ना, सही है, तो वहाँ पे वो बोल रहे हैं मेरे को पता नहीं था, मेरे को मेरे जो साथ वाले बंदे थे वो बोल रहे हैं बैक मनी आ रही है, बैक मनी आ रही है। मैं कहा भाई बैक मनी क्या होती है, जो बैक मनी आ रही है मेरे को भी बताओ। तो वो बोल रहे 6 महीने के बाद यहाँ की गवर्नमेंट ही जैसे टैक्स वगैरह काटते हैं ना, तो टैक्स काटते हैं जो एम्प्लॉय होता उसको हाफ मिलता, उसका जो टैक्स हमारा कटता है जो कंपनी काटती है, तो समझ लो 6 महीने का ही 5,000, 4,000, 3,000 ऐसे जैसे आप ही टैक्स कटता, सही है, उतना आपको 6 महीने बाद रिटर्न हो जाता है, यानी कि 5,000-7,000 आपको फ्री में मिल जाता है, फ्री मिल जाता है, करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वो गवर्नमेंट की तरफ से है।
तो मिशन सुन मुझे एक चीज बताओ, अभी जैसे सपोज कोई बंदा वहाँ पे आ रहा है 4200 जलौटी या 5000 जलौटी, तो टैक्स काट के कितना मिलता है, ओवर टाइम लाके कितना मिलता है अप्रोक्सीमेट? सर इन्होंने जो टैक्स काटना है ना वो 8 घंटे की ड्यूटी का ही काटेंगे, उससे ज्यादा का नहीं काटेंगे। अच्छा, जो आपकी बेसिक सैलरी होगी ना उसकी काटेंगे, ओवर टाइम का नहीं देंगे ये, क्योंकि ओवर टाइम तो ये अपने वही आ जाती है बात, गलत वाला सिस्टम ही अभी बंदे को मशीन नहीं समझते, ये बोल रहे 8 घंटे काम करवाओ बंदा रिलैक्स होना चाहिए। अच्छा, अगर उसके ऊपर दे रहे हैं सैलरी तो जो कोई कोई कंपनी है जो बड़ी कंपनी है वो देती है कि हाँ भी उसमें से भी टैक्स काटती है, नहीं 17% आपका टैक्स काट के आपको उन्होंने सैलरी दे देनी। चलो बढ़िया, तो अब मेरे को आप मुझे कंपनी बेड बैठ करता था, अब आप मुझे ये बताओ, देखो एक साल पहले हमारा जो जब आपका वीजा लगा था हमारी रिकॉर्डिंग हुई थी, अब मुझे बताओ कि 2024 में क्या बोलना चाहोगे कि भाई कैसा लगता है पोलैंड इस समय काम करने के लिए? काम करने के लिए जन्नत है सर, अभी जन्नत क्यों है वो इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी जो यूक्रेन है, यूक्रेन का कुछ ऐसा सीन हो रहा है कि जो यूक्रेनी वगैरह वो वापस जा रहे हैं अपनी अपनी कंट्री। अच्छा, बहुत बंदे चले गए, जब मैं आया था उस वक्त तो बहुत बुरा हाल था क्योंकि हर तरफ यही लोग थे, अब बोलना नहीं चाहिए मगर आते उसकी वजह से फिर दिक्कत तो होती है ना, तो मगर अब वो लोग जा रहे हैं, यहाँ पे छोटे हो रही है काम की। अच्छा, बंदों और अब 2024 में जैसे गवर्नमेंट चेंज हुआ है तो वीजा लगने के चांसेस भी ज्यादा है, सैलरी भी बढ़ गई। ये गवर्नमेंट है जो ये जैसे हम लोग आते फॉरनर आते हैं उनके हक में है ये गवर्नमेंट उनके हक में है, वो बोल रहे कोई बिल भी अच्छा लेके आ सकती है कि जैसे टीआरसी जैसे इन्होंने बहुत नियम कड़े करे हुए हैं या फिर रूल बहुत सख्त किए हुए हैं उनमें ढील दे सकती है, फिर जो पासपोर्ट है उसके लिए कोई नया रूल लेके आ सकती है, यानी कि अच्छी वो है गवर्नमेंट अब वो बुला रहे हैं इसको कि हाँ ये जो हम लोगों के लिए अच्छी है। सही है, बहुत बढ़िया। तो फिर मिशन तो अभी टाइम कितना हो रहा है यहाँ पे, तो 9:30 हो गए यूएई में अगर मैं 9:30 हो गए यहाँ पे तो यूएई में, उधर पोलैंड में कितना टाइम हो रहा अभी? यहाँ 6:40 हो रहे हैं, चलो मतलब 3 घंटे का डिफरेंस है वहाँ पे, है ना? चलो बहुत बढ़िया, 3 घंटे का अभी पहली तारीख से फर्क पड़ जाएगा सर, फिर 2 घंटे का रह जाएगा। अच्छा, हाँ ये वेदर की वजह से होता ना, दिन छोटे हो जाते हैं तो यहाँ से सिर्फ 7-8 घंटे का दिन रह जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो है, सर्दियों में 7-8 घंटे का रह जाता, मगर अब समर शुरू हो जाना अभी पहली तारीख से इन्होंने कर देना 1 घंटे का फर्क डल जाएगा, सुबह उठेंगे पहली तारीख को और 1 घंटे का फर्क होगा सीधा कम हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा, दिन बढ़ जाएगा। सही है, तो इनको हमारे जो है वीडियो बन रहा है व्यू दिखाओ बंदों को पोलैंड के कि भाई मिस्टर सोहन सिंह जो है इतने खुश है, हैप्पी फेसेस है, और आज 2024 में जो है एक साल के बाद आपसे बात हो रही है ना, इसके जो है ये देखो गाइस, ये है पोलैंड जो लोगों का सपना होता है जाना, मिस्टर सोहन सिंह अभी स्टेटस में डाला था मैंने आपका फोटो वीडियो, तो देखो कितनी अच्छी लाइफ हो गई है। ये एयरपोर्ट है सर, ये अच्छा। एयरपोर्ट है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, व्हाट्सएप एयरपोर्ट है ये, यानी कि कार्गो, हाँ जी हाँ जी, ये कार्गो एरिया है। हाँ ओके ओके, हाँ जी सर, ये कार्गो एरिया है, बहुत बढ़िया, अपने रेस्टोरेंट की तरह बहुत बढ़िया। तो भाई ये देख लो जितने हमारे व्यूअर्स हैं, भाई पोलैंड जो है मिस्टर सोनू सिंह वहाँ पे हैं, अभी कोई भी प्रॉब्लम होती है कुछ भी होती है तो वो आपकी हेल्प कर देंगे वहाँ पे, सही है ना, क्योंकि हेल्प एंड सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपका बस नाम लेके बंदा आया है वो मेरा छोटा बंदा हो जाएगा, वो आपका नाम जरूरी है, बस वही है पूरा हमारा भी यही है, हम हेल्प एंड सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, हेलो है ना। तो ठीक है मिस्टर सोनू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर दोबारा जो है कभी फ्री होंगे फिर जो है हम दोबारा वीडियो शूट करते हैं, ठीक है? कल परसों को सर सेंट्रम जाऊंगा अगर आपको टाइम हुआ, क्योंकि आप बिजी रहते हो, आपको बहुत बंदों ने मिलना होता है, अपनी बहुत सारी टेंशन बतानी होती है, क्योंकि मैंने भी आपका बहुत दिमाग खाया, मैंने भी आपका बहुत दिमाग खाया, हमारी जॉब एंड रिस्पांसिबिलिटी होती है वो हम पूरा करते हैं। देखो आपका फोन 11 बजे 12 बजे भी आता था साउथ एयरोज, मेरे को याद है, सही है, आप लोग इतना टेंशन में रहते थे, फिर मैं बोलता था कोई दिक्कत नहीं है हो जाएंगी चीजें सॉर्ट आउट, और देखो आज चीजें सॉर्ट आउट हो गई और जो है आप आज पोलैंड के अंदर हो, है ना? और इस बात का मैं आपका शुक्रिया, जितनी बार बात करता हूँ तो दफा मैं बोलता हूँ यार आपका शुक्रिया, अगर ना आप होते तो मेरा शायद ही काम होना था,
नहीं देखो, हम लोग तो जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे, बस अपनी हमने प्रॉमिस किया था सबसे कि भाई पॉजिटिव प्लेटफॉर्म बनाएंगे और सबको सबको गाइड करेंगे भाई, सबको, है ना। तो आप देखो, ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि भाई एक साल के बाद भी आप जुड़े हुए हो और जो है बातचीत चल रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो मैं जुड़ा ही रहूंगा, मैं, मेरे को पता ना कि आपसे जो सीखने के लिए मिलता है आप बिना किसी हिचकिचाहट के बंदे को बता देते हैं। दूसरे बंदे बोलते हैं पहले लाख दो लाख इधर घेरो उसके बाद में बात करेंगे। हाँ, वो सबका अपना अपना तरीका है, बट हमारा जो कमिटमेंट स्टार्टिंग से जब से आप जुड़े हुए हो तब से हमारा कमिटमेंट आज तक भी वही है। काफी कॉल आती है, लाइव सेशन बनते हैं हमारे, तो हम जो है लोगों को गाइड ही करते हैं, है ना। तो ठीक है, मिस्टर सोनू, मैं जो है आपको फिर एक दिन मिलेंगे, हम दोबारा वीडियो शूट करेंगे, ठीक है, लोगों को बताएंगे पोलैंड के बारे में, ठीक है। काफी अच्छा लगा मिलके आपसे। ओके मिस्टर, ओके।